भोपाल पुलिस ने बैरसिया तहसील के तरावली पठार और करारिया गांव के जंगल और नाले किनारे बड़ी छापामार कार्रवाई की, जहां से अवैध शराब के कारोबार का खुलासा हुआ। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दोनों ही गांव में एक साथ कार्रवाई की। टीम को जमीन में गड़े ड्रम और टंकियां दिखाई दी। जब एक एक ड्रम, कुप्पे और टंकियों को जमीन से निकाला गया तो 21,000 किलोग्राम महुआ लहान मिला और भट्टियों में चढ़ी 530 लीटर हाथ भट्टी शराब भी पकड़ में आई है। भोपाल पुलिस की छापेमार कार्रवाई में अवैध शराब के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। मौके से अवैध शराब बनाने वाले 10 लोगों को भी गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रकरण बनाए गए हैं। 21,000 किलो महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। तरावली पठार और करारिया गांव में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ड्रमों, कुप्पों, टंकियों में हाथ भट्टी मदिरा का जखीरा और भारी मात्रा में लहान बरामद किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कौशल ने बताया कि अवैध मदिरा संग्रहण विनिर्माण के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। या उसकी सूचना थी, उस तारतम्य में हमारे CSP निसारपुर के बैरसिया, नजीराबाद और बल इसके साथ संयुक्त रूप से आबकारी विभाग की टीम के द्वारा बैरसिया क्षेत्र के ग्राम तरावली में और करारिया में पठारी क्षेत्र में दबिश दी गई, जहां भारी मात्रा में जो अवैध शराब और लावान वगैरह जब्त किया गया, लगभग 21,000 किलोग्राम महुआ लहान और लगभग 530 किलोग्राम लीटर अवैध शराब जब्त की गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व मुरैना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत होने के बाद प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ लगातार धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी भोपाल में पुलिस व आबकारी विभाग के अमले द्वारा शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि यह चोरी छुपे अवैध शराब के निर्माण के कई मामले सामने आते रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।